कहते हैं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले दिनों अपने प्यारे रामलाल को इस हिदायत के साथ डॉक्टर रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के पास भेजा कि वे लोकसभा का अगला चुनाव लड़ने के लिए कमर कस लें। सूत्रों की माने तो शाह के संदेश वाहक रामलाल ने सबसे पहले रायपुर की ठौर पकड़ी और उन्होंने रमन सिंह को अध्यक्ष जी का फरमान सुनाया कि उन्हें इस दफा लोकसभा का चुनाव लड़ना है। रमन सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ने से असमर्थता जताते हुए कहा कि वे राज्य की राजनीति से ही संतुष्ट हैं और यही उनके लिए ज्यादा मुफीद है। उनका पुत्र सांसद है और इस दफा भी वही लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। इसके बाद रामलाल जी की सवारी जयपुर उतरी। वहां उन्हें महारानी से भी वही टके का जवाब सुनने को मिला कि वे राज्य की राजनीति पर ही अपना सारा ध्यान फोकस करना चाहती हैं। उनके पुत्र दुष्यंत पहले से ही सांसद हैं, सो लोकसभा का यह चुनाव भी वही लड़ेगा। वह तो भला हो शिवराज सिंह चौहान का, जिन्होंने रामलाल को एक धर्म संकट से उबार लिया और कहा कि अगर अध्यक्ष जी चाहते हैं तो वे लोकसभा का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए बाकायदा शिवराज ने अपनी पसंद की 2 सीटें भी बता दी। चूंकि सुषमा स्वराज पहले से घोषणा कर चुकी हैं कि इस दफे वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, सो शिवराज की नज़र उनकी विदिशा सीट पर कहीं पहले से है। सो चौहान ने कहा कि उनकी पहली सांसदी विदिशा है, अगर किसी कारण वह यह सीट नहीं मिलती है तो वे भोपाल से भी काम चला सकते हैं। एनटीआर पॉकेट टीवी के लिए त्रिदीप रमन की रिपोर्ट। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।